सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा फैसला, स्कूल और कॉलेज खोलने के दिए निर्देश। 50% क्षमता के साथ 25 जुलाई से खुलेंगे स्कूल। महामाया पहाड़ को कब्जा करने की मची होड़, अतिक्रमण को लेकर युवा मोर्चा का विरोध। बीजेपी युवा मोर्चा ने मुख्य वन संरक्षण कार्यालय का किया घेराव, मौके पर मुख्य वन संरक्षण को सौंपा ज्ञापन। बेमेतरा में धान संग्रहण केंद्र के मजदूरों ने किया चक्का जाम, 5 महीने से मजदूरी नहीं मिलने की कही बात, डीएमओ के आश्वासन के बाद माने मजदूर। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में जलभराव की समस्या, बारिश के बाद जाम में फंसी गाड़ियां। पहाड़ों से लेकर मैदान तक हो रही है भारी बारिश, मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, दोपहर 3 बजे तक आ सकता है हाई टाइड। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल और कॉलेज खोलने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में अभी कोरोना नियंत्रण में है, वहीं पॉजिटिव मामले 20 के आसपास आ रहे हैं और एक्टिव केस 250 के आसपास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल बंद होने के कारण बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पा रहे, साथ ही बच्चे हताश हो रहे हैं और स्कूल संचालक भी परेशान है। सीएम ने कहा इसीलिए पहले चरण के रूप में 25 जुलाई से 50% क्षमता के साथ विद्यालय शुरू करेंगे। सीएम ने कहा यदि जनता कोविड नियमों का पालन करती है तो हम जल्द ही पहली कक्षा से भी स्कूल खोलेंगे। तो 25 जुलाई से 50% क्षमता के साथ स्कूल खोले जाएंगे मध्य प्रदेश में। स्कूल और कॉलेज खोलने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दे दिए हैं। 50% क्षमता के साथ 25 जुलाई से स्कूल खोला जाएगा। बता दें आपको, स्कूल और कॉलेज नहीं खुल रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी परेशानी आ रही है, ठीक तरीके से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस समय कोरोना के मामले काफ़ी कम आ रहे हैं, इसीलिए 25 जुलाई से 50% क्षमता के साथ स्कूल और कॉलेजेस खोले जाएंगे। कोरोना के वजह से लगातार हर क्षेत्र में, हर विभाग पे इसका असर पड़ा है, साथ ही साथ स्कूली बच्चों पर भी इसका खासा असर पड़ा है। जब से कोरोना की शुरुआत हुई तब से बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, लेकिन अब 25 जुलाई से स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए हैं। तीसरी लहर से निपटने की हम तैयारी कर रहे हैं, सारी सावधानियाँ रख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे हमारे विद्यालय महाविद्यालय बंद होने के कारण बहुत दिनों से अध्ययन नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन या वर्चुअल में वो बात नहीं आ पाती जो एक्चुअल में आती है, कुंठित भी बच्चे हो रहे हैं, स्कूल संचालक भी परेशान हैं, और इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि हम परिस्थिति पर पूरी नज़र रखते हुए अब विद्यालय महाविद्यालय खोलने की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। उसके पहले चरण के रूप में हमने तय किया 25-26 जुलाई से जो सोमवार से सप्ताह प्रारंभ होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंकित पचौरी सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में स्कूल कॉलेजेस को खोलने का फैसला लिया गया है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? मनीषा, आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि 25 जुलाई से जो 10वीं और 12वीं के छात्र हैं उनके लिए जो है स्कूल खोले जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया है कि अभी जो स्कूल खुलेंगे उसमें जो कक्षाएं हैं, क्लास हैं, वो 50% क्षमता के साथ यहाँ पर खोली जाएंगी और 2 बैच में ये क्लासें लगाई जाएंगी ताकि कोरोना का संक्रमण जो है, कोरोना का खतरा जो है उससे भी बचा जा सके। बिल्कुल अंकित, लेकिन जिस तरीके से इस समय कोरोना के मामले कम आ रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि अगर मामले इसी तरीके से कम रहे और अगर प्रोटोकॉल का पालन किया गया तो पहली कक्षा से भी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी स्कूल खोले जाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि जो मध्य प्रदेश में कोरोना के जो मामले हैं लगातार कम हो रहे हैं, आज 20 के लगभग मामले प्रदेश में जो है आए हैं और इसके चलते ये जो है निर्णय लिया गया। लेकिन एक दूसरी तरफ देखें तो स्कूल, निजी स्कूल के जो संचालक थे उनका कहीं ना कहीं जो विरोध देखा जा रहा था पिछले कुछ दिनों से, वो प्रदर्शन कर रहे थे और परसों के दिन देखा गया कि जो निजी स्कूल के संचालक हैं
उन्होंने चाबियां स्कूलों की जमा कर दी थी, तो कहीं ना कहीं एक सरकार पर दबाव भी बन रहा था और इस बात को मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो निजी स्कूल संचालक हैं वो भी परेशान है स्कूल बंद को लेकर के, और जो छात्र हैं वो भी कहीं ना कहीं हताश और निराश हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें वो बात नहीं है, उस तरीके की पढ़ाई नहीं हो पाती जो फिजिकल तौर पर क्लास में आकर जो पढ़ाई की जाती है। तो ये निर्णय जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि 25 जुलाई से मध्य प्रदेश के जो 10वीं 12वीं की कक्षाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी, साथ ही 1 अगस्त से जो विश्वविद्यालय हैं वो महाविद्यालय कॉलेजेस हैं उनको भी खोल दिया जाएगा। मनीषा बिल्कुल अंकित, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि स्कूल कॉलेजेस को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल संचालकों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि काफी दिनों से वो भी काफी परेशान चल रहे हैं स्कूल नहीं खोलने की वजह से। मध्य प्रदेश की बात करें तो जो स्कूल संचालक हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो फीस को लेकर के जो चीज थी कि ट्यूशन फीस ली जानी है, तो कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कतें हो रही थी कि उनको अपने स्टाफ को सैलरी देनी है और स्कूल संचालित करने में कई तरह की जो है जरूरतें पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें एक नाराजगी थी और उसी के चलते लगातार कुछ दिनों से जो निजी स्कूल संचालक है वो प्रदर्शन कर रहे थे और परसों के दिन उन्होंने सरकार को अपने स्कूल की चाबियां सौंपी थी। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि सरकार पर निजी स्कूल संचालकों का एक दबाव था जिसके चलते आज ये महत्वपूर्ण फैसला मध्य प्रदेश में लिया गया। जी बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 25 जुलाई से स्कूल कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे लेकिन 50% क्षमता के साथ ही स्कूल खोले जाएंगे। बढ़ेंगे अब आगे, मध्य प्रदेश के नव नियुक्त राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल ने अपने नाम को बदले जाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया जिसमें राज्यपाल का नया नाम मंगू भाई सी पटेल करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अब से प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों में राज्यपाल के नए नाम को अंकित किया जाएगा। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तेल की बढ़ती कीमतों के कारण आम जनता परेशान है और इसको लेकर मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का बयान सामने आया है, जिसमें उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को एक दिन में नहीं बढ़ते बल्कि उसके पीछे एक प्रक्रिया है। मंत्री ने कहा कि हम लगातार इसको कंट्रोल करने के लिए भी काम कर रहे हैं। देखिए पेट्रोल डीजल के दाम सबसे महत्वपूर्ण विषय है, बढ़ रहे हैं लेकिन उसके पीछे की एक दिन में पेट्रोल डीजल पैदा नहीं होता है, उसकी पूरी भूमिका में जाना चाहिए। एक बार माननीय मोदी जी का बयान पूरा डिटेल में आया था इस विषय को लेके कि अगर हम 20% भारत में प्रोडक्शन है केवल 80% इम्पोर्ट हो रहा है, 80% जो इम्पोर्ट हो रहा है उसको कम करने के लिए पूरी दुनिया में इथेनॉल का ब्लेंड करके, तो अभी पिछले क्वार्टर 10% से बढ़ा के 20% ब्लेंडिंग किया। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल एम्स के डायरेक्टर को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। दरअसल भोपाल जिले की समीक्षा बैठक के बाद साध्वी प्रज्ञा ने एम्स के डायरेक्टर सरवंत सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एम्स डायरेक्टर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरवंत सिंह का रवैया नकारात्मक रहा। उन्होंने एम्स के डायरेक्टर को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया और कहा कि वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर डायरेक्टर की कार्यप्रणाली से उन्हें अवगत कराएंगे। उस बैठक में एक विषय एम्स का भी आया और वो एम्स का विषय मैं विशेष तौर पर कोरोना के समय में जिस प्रकार से तकलीफें हुई लोगों को वो बार बार मेरे पास आ रही थी, तकलीफों की समस्या भी आ रही थी। डायरेक्टर की जो गड़बड़ी है उसकी बहुत शिकायतें आई हैं और ये सब शिकायतों को लेकर के मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी के पास जाऊंगी, स्वास्थ्य मंत्री जी के पास, और उनसे कहूंगी कि ऐसा व्यक्ति कम से कम एम्स में ना हो जो जनता की ना सुने और ऐसे विपरीत काल में। अमरवाड़ा के उप वन मंडल क्षेत्र के हररई गांव धाधरा में कुछ जानवरों ने एक माह के शावक पर हमला कर दिया, जिसके बाद गांव के ही एक आदिवासी युवक ने पूर्व वन मंडल हररई में शावक का इलाज करवाया। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग ने धाधरा के जंगल में पिंजरा लगाया और मादा तेंदुए को रेस्क्यू करने का प्रयास किया, जिसके बाद मादा तेंदुए ने अपने शावक को सुरक्षित अपने साथ रहवास स्थल पर ले गई और इस दौरान विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया।
कल दिनांक 12/7 को एक जेवन सिंह नाम का आदमी जो घाघरा का निवासी है, एक तेंदुए के शावक को जंगल से लेकर आया। उसने बताया कि शावक अकेला घूम रहा था, उसके पीछे सियार पड़े हुए थे, तो वो उठा कर ले आया। जहाँ से उस व्यक्ति ने पकड़ा था उस शावक को, वहाँ ले जाया गया, पिंजरे में रखा और ट्रैप कैमरा लगाया गया और वॉच किया गया। तो करीब रात के 10 बजे ट्रैप कैमरा देखा, चेक किया, तो उससे पता लगा कि मादा आई थी और अपने शावक को वहाँ से निकालकर पिंजरे से ले गई। छिंदवाड़ा के तामिया में तुलतुला पहाड़ के पास तेज रफ्तार बाइक फिसलकर डंपर से टकरा गई, जिससे एक युवक की मौके पर और एक बता दें आपको, एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, वहीं दूसरे की हालत गंभीर होने से उसका इलाज जारी है। मौके पर पहुंची तामिया पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये मोटरसाइकिल से कुआ वादला जा रहे थे और प्रशांत ढाबा के आगे 2 किलोमीटर दूरी पर गुलाई पर सामने से डंपर वाले ने टक्कर मार दिया। उसका तामिया अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे वापस। सभी भाई बहनों को नमस्कार। हम जिस नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए संकल्पित हैं, उसमें सामाजिक न्याय सबसे महत्वपूर्ण घटक है। छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को यह लगना चाहिए कि यह उनका अपना प्रदेश है। हमारी सरकार के गठन के बाद हम इसी दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसकी शुरुआत किसानों को न्याय दिलाने के साथ हुई थी। वनवासियों तक उनके अधिकार पहुँचाने के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2500 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा करने के साथ साथ शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना शुरू करके सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई। पहले सिर्फ 7 प्रकार के लघु अनुपज समर्थन मूल्य पर खरीदे जाते थे, जिनकी संख्या अब 52 हो चुकी है। वन अधिकार कानून के तहत पात्र होने के बाद भी जो वनवासी वन अधिकार पत्रों से वंचित थे, उन्हें भी उनके अधिकार सौंपे गए। गौठानों में चल रही आजीविका गतिविधियों से हजारों महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। इस तरह स्त्री और पुरुष के बीच आर्थिक अवसरों की असमानता को भी हमने दूर करने के लिए एक निर्णायक पहल की है। लैंगिक असमानता केवल स्त्री पुरुषों से संबंधित विषय नहीं है, तृतीय लिंग के नागरिक भी इस असमानता से पीड़ित थे। पुलिस आरक्षकों के रूप में इस वर्ग के नागरिकों की भर्ती करके हमने उन तक भी सामाजिक न्याय पहुंचाने की दिशा में पहल की है। हमने जिन नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लिया था, वह तेजी से साकार हो रहा है। सामाजिक न्याय ही शांति और विकास का मूल मंत्र है। छत्तीसगढ़ के हर भूभाग में एक जैसा विकास, एक जैसे शांति स्थापित करने के लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। सामाजिक न्याय का आधार गढ़ रही छत्तीसगढ़ सरकार, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। ग्वालियर में नकली नोट सप्लाई करने वाले गिरोह के 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गिरोह से पुलिस ने 500, 200 और 100 रुपए के 2,33,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। वहीं गिरोह के 2 आरोपी दक्षिण भारत और 1 बिहार से गिरफ्तार किया गया। यहां पकड़े गए आरोपी देश भर में नकली नोटों की सप्लाई कर रहे थे। पूर्व में पकड़े गए आरोपी ने इस गिरोह के लोगों का खुलासा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करके गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। रानी छावनी में 27 तारीख को एक बदनापुरा का युवक पकड़ा गया था, जिसके पास से 4700 रुपये मिले थे और ये 4700 रुपये नकली करेंसी थी, जिसपे कि अपराध कायम करके इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया गया। और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने पर अभी कुल 3 अन्य आरोपियों की अरेस्ट हुई है, जिसमें कि 2 साउथ के हैं
और एक गोरखपुर का है। इन तीनों आरोपियों के पास से कुल मिला के 2 लाख रुपए और पूर्व के मिला के 2,33,000 रुपए इसमें अब तक बरामद हो चुके हैं। और इसमें जो मुख्य आरोपी है अभी प्रारंभिक पूछताछ से वो सीवान का रहने वाला है। मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण और कृषि विकास की मंशानुसार कृषकों को उत्तम गुणवत्ता का कृषि आदान उपलब्ध हो इसके लिए कलेक्टर चंद्रमूली शुक्ला के निर्देशानुसार जिला स्तरीय गुण नियंत्रण उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। उड़नदस्ता दल ने पौध संरक्षण औषधि विक्रेता मेसर्स देव शक्ति कृषि सेवा केंद्र विजयागंज मंडी विकासखंड देवास का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फर्म में एक्सपायरी पौध संरक्षण औषधि बिना बैच नंबर पौध संरक्षण औषधि का काउंटर पर भंडारण और क्रय विक्रय किया जा रहा था। कल मैंने जो कार्रवाई की है पुलिस शासन की जो मंशा है कि हमारे किसान भाइयों को उत्तम गुणवत्ता का कृषि आदान प्राप्त हो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे कलेक्टर साहब के निर्देशन में और हमारे जिले स्तर की एक टीम गठित की गई थी। उस टीम के तहत हमारे जो विजयगंज मंडी है वहाँ पर हमारे जो टीम गई थी वहाँ देव शक्ति कृषि सेवा केंद्र के यहाँ निरीक्षण करने पहुँची। निरीक्षण के दौरान उस दुकान के पे जितना भी स्टॉक था पौध संरक्षण औषधि का वो एक्सपायरी डेट का बैच नंबर नहीं थे, उस पर एक्सपायरी डेट नहीं थी और कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा पाया। बिलासपुर में कोरोना संकट काल के बीच SECL का फोकस अब खर्च में कटौती करने के साथ पर्यावरण के संरक्षण पर है, जिसको लेकर SECL अब बिजली का खर्चा बचाने के लिए 40 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगाने जा रहा है। SECL मुख्यालय के न्यू टेक्नोलॉजी विभाग ने इसके लिए अपने ज्वाइंट वेंचर में कोल लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड को लेटर ऑफ अवार्ड जारी करते हुए योजना पर काम शुरू करने को कहा। प्रोजेक्ट के लिए 148 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पहले चरण में भटगांव और विश्रामपुर क्षेत्र में योजना पर काम शुरू किया जा रहा है और इसके जरिए SECL की योजना सोलर से बिजली जनरेट कर ग्रिड के माध्यम से अपने क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति करने की है ताकि वर्तमान में होने वाले विद्युत खर्च को कम किया जा सके। कोल इंडिया लिमिटेड की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी SECL अब सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में भी अपने कदम बढ़ा रही है। कंपनी की योजना है कि आने वाले 3 वर्षों में लगभग 142 मेगावाट क्षमता के सकल रूप से हमारे यहाँ सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। उसमें 40 मेगावाट के ग्राउंड माउंटेड तथा ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट जिसकी आज बात हो रही है। महामाया पहाड़ और वहां की वन भूमि अंबिकापुर के लिए महत्वपूर्ण है और इस विरासत स्थल को कब्जा करने की होड़ मची है। इन क्षेत्रों में बढ़ता अतिक्रमण इस बात का प्रमाण है कि वन विभाग से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी अपना काम करने में असफल हैं। शहर के महामाया पहाड़ पर अतिक्रमण को लेकर मामला पुल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा ने भारी संख्या में मुख्य वन संरक्षक कार्यालय का घेराव किया। वहीं अपनी कुछ मांगों को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने मुख्य वन संरक्षक को ज्ञापन सौंपा, साथ ही अपनी मांगों को लेकर कार्रवाई करने की मांग की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने आके मुझे ज्ञापन दिया है कि महामाया पहाड़ी में जो है अतिक्रमण हो रहा है और लोग जो है जिनको वन अधिकार मान्यता पत्र या जिसको आप सामान्य भाषा में वन अधिकार पट्टा कहते हैं वो दूसरे को दे रहे हैं, तो इस पर मेरे द्वारा उनको कहा गया है कि अभी मैं इसकी जांच करवा लेता हूँ। और जो जानकारी वो ये है कि 2582 कंपार्टमेंट का जो एरिया है वो 276 हेक्टेयर है और उसमें 102 हेक्टेयर का जो है वन अधिकार मान्यता पत्र 2017 में। बिलासपुर में एक बार फिर से ब्लैक फंगस के मरीज सामने आने लगे हैं। इस बार आधा दर्जन ऐसे मरीज फंगस के चपेट में आए हैं जो पहले संक्रमण के बाद ठीक हो चुके थे, वहीं दूसरी बार फिर से फंगस से संक्रमित हो गए हैं। मौजूदा स्थिति में ऐसे 4 मरीजों को का सिम्स में इलाज किया जा रहा है। ब्लैक फंगस से ठीक हो चुके कई पुराने मरीजों को फिर से फंगस की शिकायत होने लगी है, जिसके बाद मरीज फिर से अस्पताल पहुंचने लगे हैं। जांच में ये बात सामने आई है कि ये दोबारा फंगस से संक्रमित हो गए। गौरतलब है कि सिम्स में अब तक ब्लैक फंगस के 42 मरीज भर्ती हैं, जिनमें 6 मरीजों का इलाज जारी है। इसमें दोबारा संक्रमित हुए मरीज भी शामिल हैं। ब्लैक फंगस से जो मरीज आए हैं उसमें एक आध दो मरीज ऐसे हैं, 3 मरीज जो रिपीट आए हैं, उनका ऑपरेशन हुआ था और अभी उनको जैसे कंप्लेंट है लूजनिंग ऑफ टीथ,
तो उस तरह से लूजनिंग ऑफ टीथ के साथ या पेन इन जॉ ऐसे कंप्लेंट से आए, और उनका जब CT MRI रिपीट किया गया तो जॉ में डिस्ट्रक्शन दिखा कि अभी कहीं ना कहीं कुछ फंगल एलिमेंट होने की संभावना दिखी, इसलिए उनको रीऑपरेट करना पड़ा। अदरवाइज हमारे 90-95% पेशेंट्स प्रॉपरली ठीक होकर चले गए। छत्तीसगढ़ के बेमित्रा में लिंजवाला धान संग्रहण केंद्र के मजदूरों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है कि उन्हें 5 महीने से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया और इसी के चलते उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान मजदूरों ने नगाड़े बजाते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूरों के चक्का जाम की खबर मिलते ही DMO और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, मजदूरों को समझाने की कोशिश की। मजदूरों का कहना है कि कलेक्टर DMO और अन्य अधिकारियों से भुगतान के लिए आग्रह किया था, उसके बाद भी भुगतान नहीं हुआ। वही DMO ने 15 दिन के अंदर मजदूरों को राशि दिलाने की बात कही, तब जाकर मजदूरों ने अपना चक्का जाम खत्म किया। यहाँ पे क्या है, मजदूरों का जो भुगतान है विगत मार्च से पेंडिंग है, जिसके लिए मुख्यालय की कार्रवाई के लिए अवगत करा दिया गया है। इनका भुगतान आने वाले 15 दिनों के अंदर में मुख्यालय से द्वारा कर दिया जाएगा। कबीरधाम में जिला साहू संघ ने साहू समाज की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान जिला साहू संघ के लोगों ने नाबालिग को श्रद्धांजलि अर्पित की और मृतका के परिवार वालों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान करने की बात कही। इस कैंडल मार्च में प्रदेश साहू संघ उपाध्यक्ष वीरेंद्र साहू, जिला अध्यक्ष शीतल साहू, जिला महामंत्री समेत बड़ी संख्या में साहू समाज के लोग मौजूद रहे। जिले के महामंद में हमारे स्वजाती बहन से बलात्कार करने के बाद उनकी जघन्य हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के विरोध में हमारे प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष आदरणीय अर्जुन हिरवानी जी के आह्वान पर पूरे जिला मुख्यालय में आज कैंडल मार्च का आयोजन हुआ था। उसी तारतम्य में हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय सीता साहू जी और महिला मोर्चा महिला संघ की अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी साहू के नेतृत्व में कैंडल मार्च कवर्धा में निकला है। उनके मृतात्मा की शांति के लिए और शासन से मांग करने के लिए तो उस पीड़ित परिवार को शासन से उचित मुआवजा मिले और उस परिवार के एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी मिले। बिलासपुर में गौठानों से गोबर गायब होने को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी नेत्री हर्षिता पांडे ने इस मामले को लेकर डिप्टी कलेक्टर को मांग पत्र सौंपते हुए जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान हर्षिता पांडे ने कांग्रेस के स्थानीय विधायक और सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तखतपुर के कांग्रेसी विधायक के गृह ग्राम मॉडल गौठानों से बड़ी मात्रा में हजारों क्विंटल गोबर गायब है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह स्थानीय जनप्रतिनिधि सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं। साथ ही हर्षिता पांडे ने दूसरे गोठानों पर भी इसी तरह की अनियमितता के आलम का आरोप लगाया है, जिसके चलते उन्होंने सभी गोठानों की जाँच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार काम कर रही है और गांव की ग्रामीण जनता को जो है वो लोकलुभावने वादे देकर सरकार में आ तो गए हैं, चाहे हम गौठान की बात करें, गौधन की बात करें, रोका छेका की बात करें, तमाम फेल होती उनकी योजनाएं। तो ये जो भोली भाली जनता के पैसे लूटकर जिस तरह से भ्रष्टाचार जो है वो हो रहा है छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर आज तखतपुर विधानसभा के और भारतीय जनता पार्टी जिले के किसान मोर्चा, प्रदेश के किसान मोर्चा के प्रतिनिधि आज किसानों की तरफ से यहां खड़े हुए हैं। बेमित्रा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पति ने नवविवाहित पत्नी की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। हत्या के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी 3 माह पहले हुई थी, जिसके बाद से पति पत्नी में अक्सर विवाद होते रहता था। आरोपी पति अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था, दोनों में उसी को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि आवेश में आकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। हत्या के बाद से पति ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज सुबह सूचना मिली थी कि ग्राम बुचीपुर में किसी महिला की हत्या हो गई है। उसी सूचना पर से अपने हमारे चंदनी चौकी के स्टाफ आकर यहां तस्दीक किए तो कावेरी उम्र 19 वर्ष की हत्या हुई है। महेंद्रगढ़ में अवैध महुआ शराब का परिवहन और बिक्री करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिससे 15 लीटर शराब और एक बाइक जब्त की गई है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।
नहीं, बहस नहीं। पंजाब में सब कुछ ठीक है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू वो मुद्दे उठा रहे हैं कि पंजाब में जो माफिया राज चल रहा है। मैं जवाब दे दूं इनकी बात। बिना तथ्यों के बकवास नहीं। तेवर हमारे कम नहीं, अंदाज नया, सोच नई। देखिए बदलते भारत की तस्वीर नेटवर्क 10 के साथ। देश दुनिया का हर नगर महानगर शाम तक की पांच बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए पांच का पंच। राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल, कहां कहां से निकली विकास की लखनऊ में मेरठ की क्रांति, बुंदेलखंड की झांसी, प्रयागराज का संगम, आगरा का ताज। अब होगी यूपी के हर गांव की बात, हर शहर की बात। मेरा यूपी, मेरी शान। देखिए नेटवर्क 10 पर यूपी लाइव। शोर नहीं, बहस नहीं। पंजाब में सब कुछ ठीक है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू वो मुद्दे उठा रहे हैं कि पंजाब में जो माफिया राज चल रहा है। मैं जवाब दे दूं इनकी बात। बिना तथ्यों के बकवास नहीं। तेवर हमारे कम नहीं, अंदाज नया, सोच नई। देखिए बदलते भारत की तस्वीर नेटवर्क 10 के साथ। मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम गोरी। यजमान सातवां फेरा तो लो। सात नहीं, 15। ये तो होना ही था, क्योंकि नया TVS Sport ETFI टेक्नोलॉजी के साथ देता है 15% ज्यादा माइलेज। TVS Sport, माइलेज का बाप। देश दुनिया का हर नगर महानगर शाम तक की पांच बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए पांच का पंच। राजनीति की